हाय एवरीवन वेलकम माय चैनल आज की हम इस वीडियो में ये स्टिच पैटर्न बनाना सीखेंगे ये केबल स्टिच पैटर्न है जैसे कहते हैं टेक्सचर्ड केबल्स आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं छोटा भी बना सकते हैं जो मैं अभी बना रही हूँ वो इस साइज का है एंड इसके लिए आपको मल्टीपल ऑफ थर्टिन स्टिचेस चाहिए कास्ट ऑन करेंगे आप सिर्फ इसके लिए थर्टिन स्टिचेस ठीक है यहाँ पे दो एक्स्ट्रा स्टिच मैंने डाले हैं बीच में मैंने दो एक्स्ट्रा स्टिचेस डाले हैं फंदे यहाँ पे भी दो एक्स्ट्रा मैंने डाले हैं दो फंदे दो फंदे दो फंदे वो अलग है। ये हैं ये बीच में तेरह स्टिचेस हैं थर्टिन स्टिचेस क्योंकि ये जो, जो uh, केबल है वो थर्टिन तेरह स्टिचेस पे बनेगा अभी बट आप बड़ा या छोटा भी बना सकते हैं लंबा भी बना सकते हैं वो उसके लिए फंदे आपको बढ़ाने पड़ेंगे अगर आप में से कोई भी इस केबल में बड़ा साइज बनाना सीखना चाह रहा है तो कमेंट कीजिएगा आई एल ट्राई माई बेस्ट मैं कोशिश करूंगी कि आपको बड़ी साइज में भी ये बनाना सिखाऊं अगर मुझे रिक्वेस्ट आएंगी इसके लिए तो ठीक है यहाँ पे मैंने थर्टीन थर्टीन प्लस टू 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 ठीक है इस तरह से फंदे कास्ट ऑन किए हैं अभी मैं जो आपको सिखाऊंगी वहाँ पे मैं सिर्फ ये वाला हिस्सा आपको सिखाऊंगी क्योंकि क्योंकि ये सेम है और बीच में गैप के लिए आप कितने फंदे कास्ट ऑन करेंगे वो टोटली आप पे डिपेंड करता है ये केबल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज होती है स्वेटर ब्लैंकेट टॉवल बेबी स्वेटर्स जेंट्स सबके लिए इस्तेमाल होता है ये केबल बहुत ही क्यूट है और बहुत ही खूबसूरत uh, है और आपको आसान भी लगेगा अगर आप इसकी जब प्रैक्टिस करती जाएंगी तो ठीक है सबसे पहले हम कास्ट ऑन करेंगे फंदे स्टिचेस थर्टीन स्टिचेस फॉर दिस केबल टू स्टिचेस फ्रॉम हियर टू स्टिचेस फ्रॉम हियर मींस थर्टीन प्लस फोर स्टिचेस वी विल कास्ट ऑन आप अपने हिसाब से कास्ट ऑन करेंगे हम यहाँ पे तेरह फंदे इसके लिए कास्ट ऑन करेंगे डालेंगे सिलाई पे दो यहां से और दो यहां से चार दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह दो चार छह आठ दस बारह तेरह थर्टीन स्टिचेस two three four two four. Two from this side, two from this side. It depends totally depends on you how much stitches you want to keep on both sides. Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen. Thirteen plus four stitches, seventeen. Row one. पहली स्लाई रो वन राइट साइड ऑफ योर प्रोजेक्ट पहली सिलाई जो होगी वो आपके प्रोजेक्ट की राइट right साइड से होगी प्रोजेक्ट की राइट right साइड से मतलब ये देखिए पहले अगर आप कोई भी स्वेटर या कोई भी चीज बना रहे हैं पहले बॉर्डर बना लेंगे बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से ये पैटर्न शुरू होगा यहां पे ठीक है तो रो वन राइट साइड ऑफ योर प्रोजेक्ट ऑफ योर वर्क आपने जो भी स्वेटर बना रहे हैं उसकी सीधी साइड दो फंदे हम यहां पे उल्टे बुनेंगे पर्ल टू स्टिचेस ये एक्स्ट्रा टू स्टिचेस जो यहां पे साइड पे होंगे ये ठीक है अब पर्ल थ्री स्टिचेस ती, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे पर्ल थ्री स्टिचेस पर्ल थ्री स्टिचेस पर्ल थ्री स्टिचेस ये केबल के लिए अब हम यहाँ पे केबल शुरू कर रहे हैं तो ये जो तीन फंदे यहाँ पे बुने हैं ये केबल के लिए बुने हैं ये दो स्टिचेस साइड पे एक्स्ट्रा देन पर्ल थ्री स्टिचेस अब सी थ्री बी सी थ्री बी का मतलब है ट्विस्ट देंगे केबल ट्विस्ट इन तीन फंदों पे सी थ्री बी आई एम नॉट यूजिंग केबल नडल इफ यू हैव यू कैन यूज अगर आपके पास केबल नडल है जो कि सबके पास नहीं होती है तो आप इस्तेमाल कर लें अगर है अगर नहीं है तो आप फॉलो करें जिस तरह मैं ट्विस्ट दे रही हूं ठीक है आप क्या करेंगे ये थर्ड वाले फंदे को सॉरी ये जो दो फंदे हैं यहां पे, ये वाले बैक साइड वाले इनको आगे ले आएंगे और इन फे फंद, इस फंदे को एक वाले फंदे को आप पीछे ले जाएंगे लेफ्ट हैंड हिडल पे और अब इनको निट थ्री तीन फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे पर्ल टू पर्ल थ्री सी थ्री बी ट्विस्ट दिया केबल का हमने अब पर्ल वन एक फंदा उल्टा बुनेंगे बीच में ये यहाँ पे ये वाला अब अगेन फिर से सी थ्री एफ अब फिर से अभी ये ट्विस्ट दिया फिलहाल अभी जो हमने दिया केबल का अब ये वाला ट्विस्ट देंगे उसके लिए हमने क्या करना है ये पहले वाले दो फंदे हम पीछे ले जाएंगे आगे की तरफ से ये इस तरह से अब हमने निट दीज थ्री स्टिचेस तीन फंदे ये सीधे सीधे बुन लें ठीक है पर्ल टू पर्ल थ्री केबल ट्विस्ट आया तीन फंदों पे फिर पर्ल वन फिर केबल ट्विस्ट आया इन तीन फंदों पे अब पर्ल थ्री तीन फंदे अब उल्टे उल्टे बुन लें और अब आखिर में दो एज स्टिचेस जो एक्स्ट्रा एक स्टिचेस हैं उनको भी आप उल्टा बुन लें वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि एक, आप एक्स्ट्रा कितने फंदे डाल रहे हैं साइड पे रो टू और एवरी रॉन्ग साइड रिटर्न रो यू विल निट ऑन निट एंड पर्ल ऑन पर्ल आपकी जो भी रिटर्न साइड होगी रिटर्न रो होगी रिटर्न पे आपने क्या करना है निट ऑन निट स्टिच पॉल ऑन पॉल स्टिच सीधे फंदे पे सीधा बुनेंगे उल्टे फंदे पे उल्टा बुनेंगे मैं आपको करके दिखाती हूं यहां पे निट थ्री स्टिचेस ये देखिए ना ये सीधे हैं ये भी सीधे हैं निट फाइव पांच फंदे सीधे बुनेंगे क्योंकि ये सीधे मिले हुए हैं अब ये तीन फंदे उल्टे मिले हुए हैं इनको उल्टा बुनेंगे थ्री नेट फाइव पर्ल थ्री अगेन नेट वन ये ये सीधा मिला हुआ है इसको सीधा बुन लेंगे अब ये तीन उल्टे मिले हुए हैं क्योंकि हमने राइट राइट साइड से सीधे बुने हैं तो हम इनको उल्टा बुनेंगे पर्ल थ्री अब ये पांच जो हैं वो सीधे हैं तो इनको हमने सीधा बुनना है एक दो तीन चार पांच नेट फाइव अब थर्ड रो तीसरी सिलाई रो थ्री थर्ड रो तीसरी सिलाई पर्ल टू स्ट्रि स्टिचेस दो दो फंदे उल्टे बुनेंगे जो कि एक्स्ट्रा फंदे हैं और पर्ल टू पर्ल टू ठीक है दो फंदे फिर से उल्टे बुने अब यहाँ पे इन तीन फंदों पे हम सी थ्री बी करेंगे केबल का ट्विस्ट देंगे ऑन दीज थ्री स्टिचेस यार्न बैक ये जो दो फंदे हैं वो हम आगे लेकर आएंगे और ये वाला एक फंदा बैक पे ले जाएंगे ऑन लेफ्ट हैंड अब पुट दीज टू स्टिचेस बैक ऑन द लेफ्ट हैंड नेटल निट थ्री अब इन तीनों फंदों को आपने सीधा सीधा बुन लेना है ठीक है इससे क्या होगा ये इस तरफ जा रहा है ठीक है अब यार्न फ्रंट धागे को आगे कर लिया हमने और एक फंदा उल्टा एक सीधा एक उल्टा ठीक है पर्ल वन निट वन पर्ल वन सी थ्री बी ट्विस्ट दिया केबल का एक उल्टा सीधा उल्टा अब इन तीन फंदों पे केबल ट्विस्ट देंगे सेम उसी तरह से ये दो फंदे हमने बैक पे ले जाने हैं इस तरह से इसे कहते हैं सी थ्री एफ निट थ्री स्टिचेस ट्विस्ट देन निट थ्री स्टिचे ट्विस्ट दिया फिर बुन लिया आपने उसको सीधा अब पर केबल एंड टू एक्स्ट्रा एट स्टिचेस आप ये भी बोल सकते हैं कि आखिर में चार फंदे उल्टे बुन लें बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि ये थर्टीन स्टिचेज केबल है और दो एक्स्ट्रा है हमारे पास यहाँ पे यहां से दो यहां से दो मैंने कास्टों झुकी आप ना भी करें तो आपकी मर्जी है

एक फंदा सीधा एक उल्टा एक सीधा बस आपको जैसे मिला हुआ है उसी तरह से फिर पर्ल थ्री निट फोर चार तीन फंदे उल्टे चार फंदे सीधे ठीक है निट फोर पर्ल थ्री निट पर्ल निट पर्ल थ्री निट फोर फोर्थ रो कंप्लीट हो गई फिफ्थ रो पांचवी सिलाई पर्ल टू एट स्टिचेस नाउ पर्ल वन दो फंदे उल्टे बुने एक्स्ट्रा वाले फिर दो एक फंदा हमने यहाँ पे उल्टा बुना अब धागा पीछे ले जाएंगे और फिर से सी थ्री बी ये दो वाले स्टिचेस हमने आगे ले आने हैं और ये एक फंदा हमने इस तरह से पीछे ले जाना है ठीक है अब ये धागे फंदे वापस रख के इनको सीधा बुन लेंगे मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि बहुत ही डिटेल से समझाऊं ताकि आप लोगों को हेल्प हो बट डेफिनेटली आपको कोई भी चीज शुरू करने से पहले प्रैक्टिस करनी होती है धागा आगे पर्ल वन नेट वन पर्ल वन नेट वन सी थ्री बी किया एक फंदा उल्टा सीधा उल्टा सीधा अब उल्टा ठीक है पर्ल नेट पर्ल नेट पर्ल अब सी थ्री एफ ऑन दीज थ्री स्टिचेस केबल का ट्विस्ट आएगा इन तीन फंदों पे और उसको क्या करेंगे इन दो को पीछे ले जाएंगे और इस एक को आगे ले आएंगे इस तरह से अब आप देख रहे होंगे एक निर्देश थ्री अब आप ये चीज देख रहे होंगे कि ये इधर जा रहा है ट्विस्ट और ये इधर जा रहा है ट्विस्ट अब इसको पीछे कर लें और पर्ल थ्री ये एक फंदा केबल वाला और ये दो एक्स्ट्रा स्टिचेस पर्ल टू अब निट ऑन नेट स्टिच पर्ल ऑन पर्ल स्टिच ये तीन फंदे आपने सीधे बुने फिर एक दो तीन नेट थ्री पर्ल थ्री नेट वन पर्ल वन ये देखिए ना आपको ये सीधा मिला हुआ है ये सीधा है जो रॉन्ग साइड से राइट साइड से उल्टा होगा रॉन्ग साइड से वो सीधा होगा ये देखें ये उल्टा है ठीक है मैं कोशिश करके इसको स्किप नहीं कर रही हूं ताकि बिगिनर्स की हेल्प हो मैं लिख दूंगी इंस्ट्रक्शंस में कि कौन सा आपने किस तरह बुनना है ठीक है अब सिक्स रो कंप्लीट हो गई रोज अगर अब भूल जाएं तो यहां से काउंट कर सकते हैं ठीक है एक दो तीन चार पांच छह सिक्स रो सेवंथ सातवी सिलाई सेवन रो पॉल टू एट स्टिचेस एक्स्ट्रा स्टिचेस जो है यहां पे, अब ये सी थ्री बी यहाँ पे करेंगे केबल ट्विस्ट देंगे इन तीन फंदों पे सेम जिस तरह देते आए हैं ये इस तरह से इसको ट्विस्ट कर लेंगे एंड नेट थ्री ठीक है अब पर्ल वन नेट वन पर्ल वन नेट वन पर्ल वन नेट वन पर्ल वन पर्ल मतलब उल्टा नेट मतलब सीधा ट्विस्ट दिया यहाँ पे उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा फिर उल्टा फंदा फिर अब धागा पीछे ले जाएंगे और इन तीनों पे केबल ट्विस्ट देंगे ये थर्ड वाला फंदा हम तीसरा आगे ले आएंगे पीछे वाली साइड से और दो पीछे ले गए आगे वाली साइड से अब इनको सीधा बुन लिया नेट दीज थ्री स्टिचेस यहां से इसको होल्ड करेंगे बैक लुक अच्छा आता है पर लास्ट टू स्टिचेस, स्टिचेस एट स्टिचेस एट्थ रो आठवीं सिलाई नेट टू पर्ल थ्री नेट वन ये पर्ल है उल्टा फांधा पर्ल वन नेट वन पर्ल वन नेट वन पर्ल वन पर्ल मतलब उल्टा नेट मतलब सीधा ठीक है दो सीधे तीन उल्टे फिर सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा. अब तीन फंदे उल्टे और दो एट स्टिचेस एक्स्ट्रा वाले फंदे ठीक है अब हमने क्या करना है एक थोड़ी सी चेंजिंग आएगी अभी यहां पे अब जो आठवीं नहीं नाइन्थ रो होगी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक है एट रोज हो गई हैं नाइन्थ रो अब नाइन्थ रो जो होगी अब आपने ये एक्स्ट्रा स्टिचेस उल्टे ही बुनने हैं पर्ल टू स्टिचेस नाउ नेट दीज टू स्टिचेस दो फंदे सीधे दो उल्टे दो सीधे अब पर्ल वन निट वन पर्ल वन निट वन पर्ल वन, पर्ल वन, पर्ल वन निट वन परल वन निट वन परल वन दो उल्टे बुने पर्ल टू दो सीधे बुने निट टू उल्टा फंदा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा ठीक है अब निट टू स्टिचेस फ्रॉम द केबल and purl two extra stitches. Tenth row, knit on knit stitch, purl on purl stitch, knit two, purl two, knit. ये देखिए उल्टा है उसको उल्टा बुनेंगे जो सीधा है उसको सीधा बुनेंगे मैं कोशिश कर रही हूँ इनके जो इनको क्या बोलते हैं नेटिंग लैंग्वेज में वो भी आपको एक्सप्लेन करती जाऊं क्योंकि बाज लोग समझते ही नहीं है नेटिंग लैंग्वेज इसकी अपनी एक लैंग्वेज है नेट टू टू दो सीधे दो उल्टे नेट पर्ल नेट पर्ल नेट पर्ल नेट पर्ल नेट पर्ल टू ये देखें सीधा था सीधा बुना उल्टा उल्टा बुना अब धागा आगे इन दो उल्टे फंदों को उल्टा बुनेंगे और दो फंदों को सीधा दस सिला पूरी हो गई अब इलेवें रो। ग्यारहवीं सिलाई से हमने क्या करना है यहां पे शेप आएगा इसका अब ठीक है इलेवेंथ रो पर टू एक्स्ट्रा स्टिचेस ये जो एक्स्ट्रा फंदे हैं दो उल्टे ही बुनेंगे इनको जो एक्स्ट्रा बुने फंदे कास्ट ऑन करेंगे आप उनको वैसे ही बुनते जाएंगे अब टी अब आएगा यहां पे टी थ्री एफ टी थ्री एफ ये ट्विस्ट इस तरफ जो जा रहा है इसे टी थ्री एफ कह रहे हैं। अब वो कैसे करेंगे हम ये थर्ड वाले फंदे को आगे ले आएंगे थ्रू बैक साइड और ये दो वाले फंदे को लेफ्ट हैंड हेडल पे लेकर जाएंगे अब ये इस वाले फंदे को निडल पे डाल दिया ठीक है सॉरी धागा आगे ही रखेंगे अब ये जो फंदा है इसको आपने उल्टा बुनना है पर्ल दिस स्टिच ठीक है टू, ये दो फंदों को सीधा बुन लेंगे मैं फिर से करके दिखाऊंगी अभी क्या करेंगे धागा आगे पर्ल नेट पर्ल उल्टा सीधा उल्टा फंदा फिर उल्टा फंद सीधा फंदा फिर उल्टा सीधा उल्टा फंदा अब यहां पे आके स्टॉप करेंगे ठीक है अब यहां तक आ गए दो यहां पे फंदे उल्टे बुने फिर तीन फंदों पे टी एफ थ्री एफ किया ट्विस्ट दिया इस डायरेक्शन के लिए और फिर उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा फंदा अब धागा पीछे और इन तीन फंदों पे ट्विस्ट देंगे यहां के लिए इस डायरेक्शन के लिए इसे कहते हैं टी थ्री एफ उसके लिए क्या करेंगे ये दो वाले फंदे आगे लेकर आएंगे और ये एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड निडल पे अब इनको भी लेफ्ट हैंड निडल पे रखेंगे उल्टे हाथ लेफ्ट हैंड उल्ट, उल्टे हाथ वाली सिलाई अब निट, टू स्टिचेस दो फंदे सीधे बुनेंगे और ये वाला तीसरा फंदा थर्ड वन पर्ल नाउ पर्ल टू एक्स्ट्रा स्टिचेस अब आप देख रहे होंगे कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है इलेवेंथ रो हो गई ट्वेल्व बारहवी सिलाई नेट थ्री नेट ऑन नेट स्टिच पर्ल ऑन पर्ल स्टिच पर नेट थ्री पर्ल टू तीन फंदे सीधे दो उल्टे फिर ये फंदा देखें सीधा मिला हुआ है इसको सीधा ये फंदा उल्टा मिला हुआ है इसको उल्टा ये नेट पर्ल नेट पर्ल ट परल टू इंस्ट्रक्शंस में मैं लिख दू की जो पढ़ सकें उनके लिए निट थ्री स्टिचेस ठीक है थर्टीन रो तेरहवीं स्लाई रो तेरा रो थर्टीन पर थ्री स्टिचेस तीन फंदे ये दो एज स्टिचेस हैं ये केबल वाला पर अब इन तीन फंदों पे टी थ्री बी करेंगे सॉरी टी थ्री एफ ये टर्म्स की मीनिंग में लिख दूंगी कोशिश करके इंस्ट्रक्शंस में इसको हम उल्टा बुनेंगे आप देख रहे होंगे कि इस तरफ सेम फंदे अब जा रहे हैं पर्ल वाले अब इन दो फंदों को सीधा बुन लिया हमने ये तीन फंदे सीधे बुने और इन तीन फंदों पे टी थ्री भी किया जिसका मतलब है केबल ट्विस्ट दिया बट इस डायरेक्शन में अब ये फंदा सीधा है बट ये राइट साइड है तो हमने अब क्या करना है पर्ल नित, पर्ल नेट पर्ल ठीक है सीधा उल्टा सॉरी ट्विस्ट दिया उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा फंदा अब ये तीन फंदों पे हमने ट्विस्ट देना है टी थ्री एफ ये दो फंदे आगे लेकर आएंगे और दो फंदों को सीधा बुन लेंगे टू, ये वाला फंदा उल्टा बुनेंगे क्योंकि ये देखिए ना इस साइड पे जा रहे हैं ना इस साइड पे जा रहे हैं तो उनको हमने उल्टा बुनते जाना है ताकि वो सेम शेप में आए कैसा शेप जैसे ये यहां पे ठीक है अब फोर्टीन रो नेट ऑन नेट स्टिच पर्ल ऑन पर्ल स्टिच नेट फोर पर्ल टू जो उल्टे मिले हुए थे जो सीधा मिला हुआ है फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा रॉन्ग साइड अपने सारी इसी तरह बननी है ट फोर ये दो केबल वाले और ये दो एक्स्ट्रा फिफ्टींथ रो रो पंद्रह नेट एक्स्ट्रा पर्ल एक्स्ट्रा टू स्टिचेस दो एक्स्ट्रा फंदे हमने जहां पे जो थे हमारे पास वो उल्टे बुने अब यहाँ पे पर्ल टू स्टिचेस अब यहाँ पे ट्विस्ट आएगा इन तीन फंदों पे ठीक है क्योंकि हम अंदर की तरफ जाते जा रहे हैं अब अब ये वाले फंदे को बैक साइड से हम आगे ले आएंगे और उल्टा बुन लेंगे एक दफा दो दफा जब आप ये पैटर्न रिपीट करेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा ये ट्विस्ट आ गया अब पर्ल वन एक उल्टा निट वन एक सीधा पर्ल वन एक उल्टा फंदा अब ट्विस्ट आएगा इन तीन स्टिचेस पे तीन फंदों पे ये दो वाले आगे लेकर आएंगे दो फंदे उनको सीधा बुनेंगे निट टू नाउ पर्ल दिस स्टिच पर्ल वन ठीक है पर्ल टू स्टिचेस फ्रॉम द केबल ये दो फंदे भी उल्टे बुने केबल वाले और ये एक्स्ट्रा दो स्टिचेस इसको हम उल्टा बुन लेंगे पर्ल टू एक्स्ट्रा स्टिचेस अब सिक्सटींथ रो सोलवी सिलाई रोज भूल जाए तो मैंने आपको बताया है कि आप कैसे गिन सकते हैं सिक्सटींथ रो सेम निट और निट स्टिच पर्ल ऑन पर्ल स्टिच निट फोर, पर्ल टू दो फंदे उल्टे फिर एक सीधा मिला हुआ है तो उसको सीधा उल्टा सीधा फिर ये दो उल्टे पर्ल टू तो. ठीक है फिर निट दी स्टिचेस निट ऑन नेट पर्ल ऑन पर्ल स्टिचेस इज आई सेड जैसे कि मैंने अभी बोला आपको अब सत्रह रो सत्रह सेवेंटीन थ्रो पर टू एट स्टिचे एक्स्ट्रा स्टिचेस दो फंदे उल्टे बुने अब पर थ्री स्टिचेस तीन फंदे भी आपने सी उल्टे बुने दो फंदे उल्टे बुने फिर तीन फंदे उल्टे बुने देखे ना हमने तब तक बंद करना है जब तक हम सारे फंदे अलग अंदर ना कर लें इस तरह से तो अब ये बीच में देखें अभी अभी भी तीन है तो हमने अब क्या करना है फिर से ट्विस्ट देंगे केबल ट्विस्ट थी इन तीन फंदों पे ये पहला वाला फंदा उल्टा बुनेंगे पर्ल दिस नेट टू स्टिचेस ठीक है ट्विस्ट आ गया अब पर्ल वन एक उल्टा बीच में फंदा वही सेम चीज पे आ गए हैं इधर तीन थे इधर तीन थे और बीच में पर्ल अब ये वाले तीन स्टिचेस पे हमने ट्विस्ट देना है दो आगे लेकर आएंगे तीसरा पीछे लेकर जाएंगे नेट टू स्टिचेस दो फंदों को सीधा बुन लेंगे एंड पर्ल इसको उल्टा बुनेंगे क्योंकि हमें इस तरफ उल्टे फंदे चाहिए अब पर्ल थ्री स्टिचेस और ये एट स्टिचेस दो एक्स्ट्रा वन ये आप कि मर्जी है कि आप एक एक्स्ट्रा स्टिच कास्ट ऑन करें दो कास्ट ऑन करें जो भी आपकी मर्जी है एक्स्ट्रा वाले अब अट्ठारह एटीनथ रो नेट ऑन नेट पर्ल ऑन पर्ल स्टिच सीधे फंदे पे सीधा फंदा उल्टे फंदे पे उल्टा फंदा बुनेंगे दो चार छ नेट सिक्स पर्ल टू नेट वन पर्ल टू नेट सिक्स सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा नेट सिक्स पर्ल टू नेट वन पर्ल टू नेट सिक्स अठारह स्लाइया पूरी हो गई भूल जाएं तो आप यहां से गिन सकते हैं यू कैन काउंट रोज फ्रॉम हेयर इफ यू फू द काउंट अब उन्नीसवीं सिलाई रो रोन दो स्टिचेस दो फंदे उल्टे बुनेंगे पर्ल टू एक्स्ट्रा स्टिचेस पर्ल फोर पर्ल टू एक्स्ट्रा स्टिचेस देन पर्ल फोर दो फंदे एक्स्ट्रा जो थे उल्टे बुनेंगे और फिर चार फंदों को उल्टा बुना अब इन तीन पे हम ट्विस्ट देंगे जिससे कहते हैं सी फाइव बी ठीक है मतलब इन पांच फंदों पे हम केबल ट्विस्ट देंगे वो किस तरह से देंगे हम धागा पीछे करेंगे और ये वाले ये इन तीन फंदों को छोड़ के ये दो फंदे हम आगे लेकर आएंगे बहुत ही आराम से आपने ये तीन फंदे लेफ्ट हैंड नेडल पे डालने हैं अगर आपके पास केबल नेडल होती तो आप इनको पीछे होल्ड कर सकते हैं अब यहां से इस तरह से आप इनको लेकर आएंगे अब इनको लेफ्ट हैंड नेडल पे रख लेंगे इन दो वाले फंदों को ठीक है अब इन पांच फंदों को सीधा बुन लेंगे नेट दीज फाइव स्टिचेस। ट्विस्ट देम एंड देन निट देम। ठीक है दो चार છે ટુ એક્સ્ટ્રા સ્ટીચસ પર્લ देम નાવ પર્લ ફોર ચાર પંદો કો યહા પે આપને ઉલટા બના સી 5 બી ફાઈવ સ્ટીચસ કો ટ્વિસ્ટ દિયા ફાઈવ સ્ટીચસ કો ધેન ઉનકો સીધા બન લિયા અબ પર્લ ફોર ધેન પર્લ ટુ એક્સ્ટ્રા સ્ટીચસ ટોટલ 6 સ્ટીચસ પર્લ देम 1 2 3 फोर फाइव सिक्स फोर स्टिचेस केबल वाले और दो एक्स्ट्रा वाले एक्स्ट्रा स्टिचेस। अब नेट नेट ऑन ऑन स्टिच, स्टिच, पर्ल पर्ल जिसका मतलब ये है अब के सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा और अब क्या है देखें दो एक्स्ट्रा एट स्टिचेस एक्स्ट्रा स्टिचेस, नेट फोर नेट टू नेट फोर और फाइव पांच में पांच वाले जो यहाँ पे ये फंदे ट्विस्ट दिया वो आगे से सीधे बुनने ना तो आप उल्टे हैं यहाँ से ये अब इधर आप देख सकते हैं इस तरह से अब नेटल दीज सिक्स स्टिचेस ये छह फंदे सीधे सीधे बुन रहे फोर दीज केबल स्टिचेस एंड टू एक्स्ट्रा स्टिचेस नाउ ट्वेंटी रूल्स आपने ये बीस लाइया रिपीट करते जाना है जब तक आपको आपकी डिजायर लेंथ ना मिले ये देखे ना यहां तक हम पहुंचे अब वन से शुरू करेंगे आप वन टू थ्री फोर फाइव रिपीट करते जाएंगे आप जब तक आपकी आपको डिजायर्ड लेंथ ना मिल जाए ठीक है अगर इसमें कोई चीज आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे आई एल एक्सप्लेन इट बड़ी साइज में अगर किसी को सीखना है ये वाला केबल तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं मैं इंस्ट्रक्शंस कोशिश करूंगी कि सारी लिखूँ इसमें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्लाह हाफिज़